जय हिंद डियर साथियों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रुदौली ट्रेन सेक्शन क्लब। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट होने वाली है दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बाराबंकी से जाफराबाद वाले रेलखंड पर अधिकतर सेक्शन दोहरीकरण के पूरे कर लिए गए हैं और कुछ सेक्शन दोहरीकरण के बचे हैं जिनको भी अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आज की अपडेट होने वाली है दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर जो प्लेटफार्म नंबर 1 व 2 का काम हो रहा था उस पर क्या ताज़ा स्थिति है, आज हम वीडियो के माध्यम से इसी को दिखाने जा रहे हैं। पहले हम आपको प्लेटफार्म नंबर 2 की अपडेट देंगे, इसके बाद प्लेटफार्म नंबर 1 की अपडेट देंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सामने देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड आ गया। ये दरियाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2 है, जिस पर जो प्लेटफार्म बनाने का कार्य था उसमें अब मिट्टी भराई का काम पूरा कर लिया गया है और थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसको भी पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर अब फ्लोर बनाने का काम चल रहा है और प्राथमिक चरण पर आधे प्लेटफार्म पर जो हमारे फ्लोर बनाने का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है। पीछे थोड़ी सी बाउंड्री वाल बची हुई है दरियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 की, जिस पे शटरिंग लगाकर वहाँ पर उस काम को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर आधे प्लेटफार्म पर फ्लोर डालने के बाद जो बचा हुआ प्लेटफार्म था उस पर भी फ्लोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। और आज की हमारी ट्रेन है 04:03 अयोध्या कैंट से लखनऊ के बीच चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन। फिलहाल यहाँ पर देखिए अभी पीछे की तरफ जो आधा प्लेटफार्म बचा हुआ है उसमें मिट्टी भराई का काम चल रहा है, और अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, मानकर चलिए आप कि ये पूरा मार्च और उधर अप्रैल में कुछ समय लग जाएगा यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 2 को कम्प्लीट करने में। अभी यहाँ पर मानकर चलिए आप कि 3 सेट के साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे शेल्टर हैं उनको लगाने का काम किया जाएगा, इसके साथ ही स्टेशन की जो बाउंड्री वाल है उसको बनाने का काम भी शुरू होगा। अभी पीछे की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री वाल के लिए दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत ही तेज़ी से अब यहाँ पर काम निपटाए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे ही यहाँ पर दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ऊपर जो बाउंड्री वाल बनाने का काम है वो शुरू हो जाएगा, और ये जो अभी कंक्रीट एवं सीमेंट से फ्लोर बनाया गया है इस पर इंटरलॉकिंग की ईंटें लगाई जाएंगी। आगे की तरफ चलिए, यहाँ से प्लेटफार्म नंबर 1 ख़त्म हो जाता है और हम अभी आपको लेवल क्रॉसिंग तक ले चलेंगे। इसके बाद हम प्लेटफार्म नंबर 1 का व्यू दिखाएंगे, जो कि हम दूसरी ट्रेन के माध्यम से आपको प्लेटफार्म नंबर 1 की अपडेट देंगे। हमारी ट्रेन अब लूप ट्रैक से मेन ट्रैक पर जा रही है, और यहाँ पर देखिए लूप ट्रैक के लिए स्टॉपर लगा दिया गया है। हमारी ट्रेन अब ट्रैक पर पहुँच चुकी है जो कि लखनऊ की दिशा में जाती है। इसके बगल जो डाउन ट्रैक है उससे हम अपडेट देंगे प्लेटफार्म नंबर 1 का, और हमारी ट्रेन होगी 1:57:16 गरीब नवाज एक्सप्रेस, जो कि अजमेर से किशनगंज के बीच में चलती है। नॉन स्टॉप ट्रेन चलती है लखनऊ से रुदौली तक, किसी भी स्टेशन पर उसका स्टॉपेज नहीं है। ये देखिए हमारी गरीब नवाज एक्सप्रेस अब दरियाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर पहुंच चुकी है। हमारे दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर अभी कासन लगा हुआ है जिस कारण से यहाँ पर ट्रेनें धीमी रफ्तार से निकाली जाती हैं। फिलहाल हमारी गरीब नवाज भी धीमी रफ्तार से अब दरियाबाद रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगी, और आपको वीडियो में आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर जो हमारा प्लेटफार्म नंबर 1 है और जो स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग बनी थी उसको तोड़ने का काम कहां तक पहुंचा, और प्लेटफार्म नंबर 1 का काम क्या वहां पर प्रोग्रेस हुई है, अभी कितना काम हुआ है, कितना समय लग जाएगा अभी इस काम को पूरा करने के लिए, तो सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। सामने देखिए हमारी दरियाबाद की लेवल क्रॉसिंग आ गई। ये रोड हमारे NH 27 लखनऊ गोरखपुर हाईवे से दरियाबाद टाउन को जोड़ता है, और यहाँ से प्लेटफार्म नंबर 1 की लूप ट्रैक शुरू हो जाती है। देखिए सामने की तरफ यहाँ से कैंची डाली गई है,
और ये ट्रैक आगे चला जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए। अभी इस पर क्या प्रोग्रेस है हम इसको दिखाएंगे। इस ट्रैक को भी अभी अपग्रेड किया जाएगा, कैची डालने का काम पूरा कर लिया गया है और अभी दरियाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम चल रहे हैं। यहाँ पर जो पुराना प्लेटफॉर्म है इसकी अभी खुदाई होना बाकी है और यहाँ पर एक ट्रैक डाला जाएगा जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लूप लाइन हो जाएगी और जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ठोकर बनाने का काम है वो शुरू है। यहाँ पर देखिए दरियाबाद रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। ये नई स्टेशन की बिल्डिंग है, फुटओवर ब्रिज बनकर तैयार है। आगे की तरफ जो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसकी खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है और जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 नया बनाया गया है उसमें मिट्टी भराई का काम भी पूरा कर लिया गया है और आगे जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर वहाँ पर मिट्टी भराई का काम करके फर्श बनाने का काम शुरू होगा। सामने की तरफ से देखिए हमारी अयोध्या कैंट से लखनऊ के बीच में चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन आ रही है, दरियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाएगी। जैसा कि कल मैंने इसी ट्रेन से यात्रा की थी तो आज वापसी में भी इससे मुलाकात हुई है दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल आज की छोटी सी अपडेट थी दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।